तो देखिए कि 17 साल का एक युवक जिसे चीनी सेना ने 18 जनवरी को सीमा के पास से अगवा कर लिया था, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमने सुना है कि एक मुहिराम तारण 17 साल का बच्चा था और उसका दोस्त था जॉनी लाइन। तो ये दोनों जीरो एरिया के, जीरो जो है हमारा जो तूतिंग जो हमारे हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर, उसके जस्ट बगल में ही है और सियांग नदी के जस्ट उस पार में। तो अभी हम सुना है कि ये जो पीएलए लोग थे उनको हमारे अरुणाचल एरिया में सिंगला लुंगता जोर एरिया में आके उन्होंने वो लड़का को वो हड़प लिया है। और हमने सुना है कि ये जो वहाँ के जिला परिषद मेंबर है पेमा लेप्ची ने उनको एक फेसबुक में देखा और उसी फेसबुक से मैंने देखा कि हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले पर एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले ट्वीट किया है और देखिए ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस से कुछ दिन पहले भारत के एक भाग्य विधाता का चीन ने अपहरण किया है। हम मीराम तरोन के परिवार के साथ हैं और उम्मीद नहीं छोड़ेंगे, हार नहीं मानेंगे। पीएम मोदी की चुप्पी ही उनका बयान है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है राहुल गांधी ने ट्वीट करके, और इस मामले पर अब राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी नीरज राजपूत ने इस मसले से जुड़ी एक बड़ी खबर दी। उन्होंने बताया हमारे दर्शकों को, एबीपी न्यूज़ को, कि इस मामले में भारतीय सेना के कमांडर स्तर पर हॉटलाइन से पीएलए सेना के कमांडर स्तर पर बातचीत हुई है और पीएलए के जवाब का इंतजार किया जा रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।